हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा में स्वागत है। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं जितने भी एमटीएस में पूछे गए हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, उन सबको मैं लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन चूंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो मैं इनको पार्ट टू पार्ट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं 84 क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूं और ये क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को मिस ना करें, लास्ट तक इस वीडियो को देखें क्योंकि ये वीडियो एक्सप्लेन के साथ आपको समझाई जाने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। पहला क्वेश्चन ये जो आया था वो था व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की SI यूनिट क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंडक्टेंस कहते किसको है। तो दोस्तों, कंडक्टेंस को समझने के लिए आप पहले रेजिस्टेंस को समझना होगा। रेजिस्टेंस कहते किसको है? रेजिस्टेंस का सिंबल जो होता है जनरली इस तरह का होता है। इलेक्ट्रिकल में अगर पढ़ा हो आपने तो रेजिस्टेंस इस तरह का होता है जिसको R से डिनोट करते हैं। तो जो R होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी भी धारा के मार्ग में एक तरह की रुकावट होता है, करंट के मार्ग में एक तरह की रुकावट होता है। तो ये रेजिस्टेंस है, लेकिन हमसे पूछा गया कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है वो होता है ओम, OHM, रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम। लेकिन हमसे पूछा गया कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस क्या होता है दोस्तों? कंडक्टेंस जो होती है वो रेजिस्टेंस का इनवर्स होती है। कंडक्टेंस जो होती है वो रेजिस्टेंस का इनवर्स होती है। तो रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। तो इसका मात्रक भी पलट जाएगा फिर, तो ओम की जगह जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोह, MHO, मतलब पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या? ओम। तो रेजिस्टेंस का मात्रक ओम, लेकिन सिग्मा का आपको मात्रक निकालना, तो 1/ ओम, तो ओम का इनवर्स आ जाएगा। तो इसको ओम इनवर्स भी बोलते हैं और ओम इनवर्स को बोलते हैं मोह। और एक मोह जो होता है वो और एक सीमेंस के बराबर होता है। तो आपको ये पूरी डिटेल में बता चुका हूँ। तो सीमेंस कंडक्टेंस का मात्रक है, मोह कंडक्टेंस का मात्रक है और ओम इनवर्स भी कंडक्टेंस का मात्रक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये निबट गया। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी हाउसेज आर देर इन द इंडियन पार्लियामेंट। जो भारतीय पार्लियामेंट है उसमें कितने हाउस हैं? दोस्तों दो हाउस है, एक है लोअर हाउस और दूसरा है अपर हाउस। अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस अपनी लोकसभा है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था इन विच हिस्टोरिकल एज वाज द यूज ऑफ स्टोन्स स्टार्टेड। किस एज में स्टोन स्टार्ट किए गए थे? तो वो था पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज जिसको ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है, ये 9600 BCE में स्टार्ट हुई थी ये एज। पैलियोलिथिक एज जो कि स्टोन एज के नाम से भी जानी जाती है, तो इस एज में पत्थर का यूज होना स्टार्ट हो चुका था। तो अगला क्वेश्चन है नेम द इन्वेंटर ऑफ बैरोमीटर। बैरोमीटर जो कि प्रेशर मेजर करने के लिए काम आता है, प्रेशर को नापने के लिए हम बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। और इसकी खोज जो की थी वो कही थी टोरिसेली ने। तो टोरिसेली इसके खोज करता है किसके? बैरोमीटर के। तो दोस्तों ये थे चार क्वेश्चन, अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द अदर नेम फॉर द भूटान, सॉरी बर्मा। बर्मा का ओल्ड नेम क्या था या फिर पुराना नाम क्या था या फिर दूसरा नाम क्या? तो बर्मा का जो दूसरा नाम है वो है म्यांमार। म्यांमार जो कि बर्मा का दूसरा नाम है, जो कि बर्मा पहला पुराना नाम हुआ करता था, इसका नया नाम हो गया म्यांमार। तो ये भी आपको पता है, ये भी हल्का क्वेश्चन आया हुआ था। विच इज़ द मेन एलिमेंट इन एन अमलगम। ये साइंस के बच्चों को ज़्यादातर पता होता है कि अमलगम जितने भी होते हैं वो बिना मरकरी के बनते ही नहीं है। अब मरकरी किसको बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं पारे को, इसका फॉर्मूला होता है HG। तो बिना HG के कोई भी अमलगम नहीं बनता। अच्छा, कैसे बनते हैं अमलगम, तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अगर मेरे पास बहुत सारी मेटल्स हैं, उन मेटल्स को मैंने मिक्स अप कर दिया, उन सबको मिला दिया, पिघला के मिला दिया, और उसके अंदर अगर एक मेटल में मरकरी डाल दूँ, मतलब HD डाल दूँ, पारा डाल दूँ, तो उस कंडीशन में जो मेटल बनेगी, जो एलॉय बनेगी, मिश्र धातु बनेगी, वो बनेगी अमलगम। तो ये होता है अमलगम। तो अमलगम के अंदर मरकरी का होना आवश्यक है, अगर अमलगम के अंदर मरकरी नहीं है तो वो अमलगम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑन व्हाट डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू बीइंग। भारतीय संविधान कब इसको लागू किया गया था? वो था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है वेयर विल बी द 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप। 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? तो ये इंग्लैंड एंड वेल्स में होने वाला है। ये आपको अच्छे से याद करना है, ये आ सकता है क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है विच विटामिन डज हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लोटिंग मतलब खून का थक्का बनना, खून का जमना,
वो किस विटामिन की वजह से होता है? उसका नाम है विटामिन के। विटामिन के की वजह से ही खून जमता है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है यार दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, और ये 26 जनवरी 1950 वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, और विटामिन के वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो लाइन होती है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर मतलब, अगर आपको ये मैं अर्थ बनाकर दिखा दूं, ये वाई लाइन ऊपर वाली जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और दूसरी लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो बीच में जो लाइन जाएगी होगी इक्वेटर, भूमध्य रेखा। तो ये कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। व्हाट हैपेंड व्हेन द फ्लोराइड, जब फ्लोराइड और सोडियम को मिलाया जाता तब क्या होता? तो फ्लोराइड और सोडियम मिलने के बाद जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम फ्लोराइड। तो ये साइंस का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिसेंटली अवार्डेड भारत रत्न। तो भारत रत्न किसको दिया गया था? 2015 में भारत रत्न मिल चुका है किनको? अटल बिहारी वाजपेयी को एंड मदन मोहन मालवीय को। मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में, ये डेट भी आपको याद रखनी है, 2015 में भारत रत्न मिला है। 2015 के बाद भारत रत्न अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। 2015 में भारत रत्न किन किन को मिला? अटल बिहारी वाजपेयी एंड मदन मोहन मालवीय जी को, ठीक है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। हाउ इज एनएनपी कैलकुलेटेड? एनएनपी के ऊपर क्वेश्चन आया था, ये एनएनपी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है? तो उसका फॉर्मूला है एनएनपी का, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी और डिप्रिसिएशन। इसका मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्य का ह्रास। तो NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डिप्रिसिएशन, फॉर्मूला था दिया हुआ, ऑप्शन में टिक करना था डायरेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रिब्स आर कनेक्टेड टू विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर के अंदर जो रिब्स होती हैं, पसलियां होती हैं, वो कहाँ टच होती हैं, किस से अटैच होती हैं? तो दोस्तों वो बैकबोन, जो बैकबोन है हमारे रीढ़ की हड्डी है, उससे अटैच होती है सारी की सारी रिब्स। तो बैकबोन से अटैच होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ वीनस? हमारे सोलर सिस्टम में वीनस का कौन सा प्लेस है? तो दोस्तों हम जो प्लेस चेक करते हैं वो सन के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं। अगर सन ये है तो इसके पहला वाला जो होगा वो होगा मरकरी, दूसरा वीनस, ये मरकरी है और ये वीनस है, और इसी तरह से अर्थ होगा, अर्थ, फिर मार्स होगा, इस तरह से बनता है पूरा सिस्टम। तो मरकरी एम वैम, इसको ट्रिक के माध्यम से समझाता हूँ आज आपको, ऐसे ट्रिक के माध्यम से समझा दूंगा कि आपको याद हो जाएगा। और ये है जे और ये है एस एन, तीन और तीन छः और एक सात। तो पहला आता मरकरी, सन के नज़दीक है वो है मरकरी, फिर है वीनस, फिर है अर्थ, फिर है मार्स, फिर है जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस एंड देन इज नेपच्यून। इसको आप ऐसे याद करिए, एम वैम जेसन, एम वैम जेसन। तो एम फॉर मरकरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून। तो ये है सन से दूर जाते हुए ग्रहों का क्रम। तो सबसे पहले कौन सा आता है इसमें? जाहिर सी बात है मरकरी, फिर वीनस एंड अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वीनस का कौन सा प्लेस है, तो वीनस है दूसरे नंबर पर, तो वीनस का जो प्लेस है वो दूसरा है। अगला है, हाउ मैनी स्टेट्स आर इन इंडिया? इंडिया के अंदर 29 स्टेट है। 2014 में लास्ट स्टेट बनी थी जिसका नाम है तेलंगाना, और 7 यूनियन टेरिटरी हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हु रोट द बुक ए बैंड इन द रिवर? ये ए बैंड इन द रिवर जो बुक है ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है वी एस नेपाल ने,
नेपोल ने लिखी है ए बैंड इन द रिवर। अच्छी बुक है और कभी कभी रिपीट मुझे लगता है कि रिपीट करेगी बुक, ए बैंड इन द रिवर वी एस नेपोल। अच्छी बुक है, इसको आप याद रखें, माइंड रखें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज जो होता है वो होम पेज कहलाता, पहला पेज होम पेज कहलाता है। अगर आप कोई सी वेबसाइट खोलें तो जो पहला पेज खुल का आएगा उसका, उसको होम पेज कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच प्लेस इज मरकरी सिचुएटेड इन द सोलर सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया पिछले वाले क्वेश्चन में, पीछे अभी आपको मैं सोलर सिस्टम पूरा बता चुका हूँ। तो पहला जो प्लेनेट आता है वो आता है मरकरी, दूसरा वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस तरह से पूरा एक ऑर्डर चलता है। वो आपको देखना है, बहुत अच्छे से लिखना है, तब याद होगा अच्छे से। तो ये है फर्स्ट, ये मैं करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन रूट्स कैन नॉट बी ईटन। चार ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से वीट मतलब गेहूँ जो है, गेहूँ ये रूट नहीं होता है, गेहूँ रूट नहीं होता। तो इसका ऑप्शन जो था चार ऑप्शनों में वो है वीट। तो ये भी क्वेश्चन ज़्यादा खास नहीं है, ऑप्शन से देख कर पता लग जाएगा। चलो अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अगली स्लाइड में कैपिटल ऑफ युगांडा, युगांडा की कैपिटल जो कि अच्छी है और इम्पोर्टेंट है, नाम से ही पता लगता है, इसकी कैपिटल है कंपाला। युगांडा की कैपिटल है कंपाला, जो कि अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ये एक देश है युगांडा, इसकी कैपिटल है कंपाला। अगला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट ऑफ नेपाल, नेपाल की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं। तो वो है राष्ट्रीय पंचायत, नेपाल की पार्लियामेंट का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। जैसे कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का नाम है संसद, ऐसे ही नेपाल की पार्लियामेंट है उसका नाम है राष्ट्रीय पंचायत। दोस्तों इस पर आईएमपी लगा दें, इस पर आईएमपी लगा दें, इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अच्छा क्वेश्चन है, पार्लियामेंट ऑफ नेपाल, राष्ट्रीय पंचायत। अगला क्वेश्चन है, हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सबसे ऊंची जो पीक है उसका नाम क्या है। तो वो है माउंट आबू, इसे गुरु शिखर पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, माउंट आबू को। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी सीट्स ऑफ राज्यसभा आर इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर राज्यसभा की सीट कितनी है, ये है जवाब चार। आप मेरी राज्यसभा की सीट वाली वीडियो जरूर देखें, अच्छी वीडियो है और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपको लोकेशन भी याद होगी स्टेट की और आपको सारी राज्यसभा की सीटें याद हो जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। तो लार्जेस्ट प्लैनेट जो है वो है जुपिटर, जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है। अगर मैं प्लेनेट के ऑर्डर बताऊं, ऑर्डर के हिसाब से आपको याद कराऊं, तो सबसे पहला आता है जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस एंड नेपच्यून, जेसन, इस तरह से आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, आपको इस तरह से याद करना है। और आगे के प्लेनेट भी इसी ऑर्डर में आ जाएंगे। जुपिटर सबसे बड़ा है इसलिए आपको जुपिटर ही याद करना है, आपको शुरू को बस तीन याद कर लीजिए, जुपिटर सबसे बड़ा, देन सैटर्न, देन यूरेनस। तो क्वेश्चन यही आया था कौन सा सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो वो है जुपिटर। अगला क्वेश्चन, बैडनेस इज ड्यू टू विच फंजाई, किस फंगस की वजह से है, कौन सा ऐसा फंगस है जिसकी वजह से बैडनेस होती है। बैडनेस के बारे में बता देता हूँ, बैडनेस बोलते हैं गंजापन, किसी के सर के बाल उड़ जाते हैं, पूरा का पूरा सर उसका गंजा हो जाता है, सारे के सारे बाल गायब हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बैडनेस, या बालों का टूटना और गंजापन आना। तो ये किसकी, कौन सी फंगस है, कौन सी फंजाई है जिसकी वजह से होता है, उसका नाम है टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस की वजह से ऐसा होता है, बैडनेस जो होती है वो टीनिया कैपिटिस फंजाई की वजह से होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी लगा लें इस पर भी। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड पर पहला क्वेश्चन है, ढाई दिन का झोपड़ा किस रूलर ने बनवाया था, किस रूलर ने ढाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। तो दोस्तों ये ढाई दिन का झोपड़ा जो है ये एक मस्जिद है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई है। किसने बनवाई है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है, ये गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। स्टीम इंजन दोस्तों, स्टीम इंजन जैसे दिमाग में आता है आपको जेम्स वाट याद आते होंगे, लेकिन स्टीम इंजन की खोज जो की थी वो थॉमस सेवरी ने की थी। थॉमस सेवरी ने इसकी खोज की थी, स्टीम इंजन की खोज। तो थॉमस सेवरी, मैंने कुछ साइंस से रिलेटेड कुछ ट्रिक बना रखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, और उसमें लगभग 40-45 इन्वेंशन डिस्कवरीज ली गई हैं विद ट्रिक, और बहुत सिंपल वे में आपको याद हो जाएंगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगी। तो मैं आपसे थोड़ा आपके फ़ायदे के लिए कहूँगा कि आप उस वीडियो को विज़िट करें,
आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी याद करने में। तो मैंने इसको ट्रिक के माध्यम से समझाया था, और ट्रिक क्या थी कि स्टीम इंजन के अंदर सेव जा रहे हैं, सेव स्टीम इंजन के अंदर सेव जा रहे हैं, तो स्टीम इंजन की खोज जो की थी वो सेवरी ने की थी, इस तरह से मैंने वहाँ समझा रखा है। और भी मज़ेदार ट्रिक है यार, इंटरटेन भी होगा आपका और ट्रिक भी याद हो जाएंगे आपको, एक बार देखें उस वीडियो को ज़रूर। वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड, पहला सेशन जो हुआ था कांग्रेस का वो कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये मुंबई के अंदर हुआ था, पहला सेशन जो हुआ था वो मुंबई के अंदर हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो ब्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी 1885 में। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम को माना जाता है, और कांग्रेस का पहला सेशन 1885 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो इसके बैरिस्टर थे ब्योमेश चंद्र बनर्जी, वो इसके प्रेसिडेंट बने थे, अध्यक्ष बने थे, पहली जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसके 1885 में हुआ था मुंबई के अंदर, दूसरा हुआ था कोलकाता के अंदर। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज हरिप्रसाद चौरसिया, जो हरिप्रसाद चौरसिया है कौन से इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, या कौन से इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर हैं? तो वो हैं फ्लूट प्लेयर, फ्लूट बोलते हैं बांसुरी, तो बांसुरी वादक है, वो बांसुरी बजाते हैं कौन? हरिप्रसाद चौरसिया। तो देखो क्वेश्चन, ये करंट सा क्वेश्चन आया था और अच्छे ही क्वेश्चन है ये भी। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अगली स्लाइड का पहला क्वेश्चन है, इब्ने बतूता कहाँ से आया था? तो दोस्तों ये इब्ने बतूता जो आए थे ये मोरक्को से आए थे, मोरक्को की कैपिटल है रबात, तो मोरक्को से आए थे इब्ने बतूता। ये एक राइटर थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में आए थे, जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था तब आए थे इब्ने बतूता मोरक्को से, मोरक्को की कैपिटल रबात, ठीक है ये आपको याद हो गया, कहाँ से आए थे ये पता चल गया, ये एक राइटर थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कॉज डे एंड नाइट, डे दिन और रात, अर्थ पर दिन और रात किस चीज़ की वजह से होते हैं? तो दोस्तों अर्थ पर दिन और रात अर्थ के अपनी अक्ष पर, अर्थ के अपनी एक्सिस पर, अर्थ को इस तरह से मान लीजिए सर्कल, तो इसकी एक्सिस अगर ये है तो इसके इस तरह से घूमती रहती है अर्थ, तो अपनी एक्सिस पर घूमने की वजह से दिन और रात बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक ट्रू कलर्स, तो ट्रू कलर्स किताब के लेखक कौन है? तो ये है एडम गिलक्रिस्ट, एडम गिलक्रिस्ट, ये क्रिकेट प्रेमियों को पता होगा कि एडम गिलक्रिस्ट हैं कौन। तो एडम गिलक्रिस्ट है ऑस्ट्रेलिया के एक महान विकेटकीपर और महान बल्लेबाज, जो कि लेफ्ट हैंड से खेलते हैं और बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं एडम गिलक्रिस्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एटम, एटम क्या है भाई? तो एटम ये आपको पता होगा, ये गोल 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 जो बॉल होती है, एक छोटी सी बॉल, बहुत छोटी बॉल, उसको न्यूट्रल, वो न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल अवस्था में पाई जाती है, उसको एटम कहते हैं। पहले कभी जब एटम की खोज की गई थी तो ये माना गया था कि एटम को आगे डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि महर्षि कर्णाद ने इसकी डेफिनेशन दी थी कि एटम वो स्वतंत्र पार्टिकल है जो आगे डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से एटम को आप डिवाइड कर सकते हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर। तो एटम क्या होता है, एटम जो होता वो है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जिसकी जो अवस्था है वो नेचुरल है, नेचुरल भी है, और दूसरी बात न्यूट्रल अवस्था है, मतलब किसी तरह का उस पर कोई न्यूट्रल अवस्था है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। तो कुछ ज़्यादा ही हो गया इस टॉपिक पर, चलो आगे चलते हैं। वो वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हिंदुस्तान के संविधान को लिखा और संविधान को सींचा, वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया वाज लॉन्च ऑन विच डेट, किस तारीख में मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था और किसने किया था? तो ये हुआ था 25 सितंबर 2014 में, 2014 में, ये 25 सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था, और लॉन्च हुआ था बाय द हेल्प ऑफ, और किसने किया था? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया था मेक इन इंडिया प्रोग्राम को। और ये नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए, तो भारत की आज़ादी के बाद पैदा होने वाले
अभी फिलहाल करंट तक तो एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है, वो है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने मेक इन इंडिया को लॉन्च किया है 25 सितंबर 2014 के अंदर। अगला क्वेश्चन, ऑन विच डे नेशनल वोटर्स डे, अच्छा क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, नेशनल वोटर्स डे। आप मेरे डेज की ट्रिक है उसको देखिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक बनाई थी, उसमें से कई सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जिसमें से ये क्वेश्चन भी उसी का ही है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द गुरु शिखर पर्वत, गुरु शिखर पर्वत का मैं पीछे जिक्र कर चुका हूँ, जो कि राजस्थान में माउंट आबू, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी को गुरु शिखर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राइटर ऑफ यंग इंडिया, यंग इंडिया के लेखक कौन है, यंग इंडिया के लेखक है गांधी जी, गांधी जी ने यंग इंडिया के लेखक है, और इंडियन ओपिनियन के लेखक भी गांधी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर फाउंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने फंडामेंटल राइट्स पाए जाते हैं, वो हैं 6। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेप्रोन, तो दोस्तों नेप्रोन के बारे में बता दूं, एक्चुअली ये किडनी का साइनोनियम है नेप्रोन, या आप कहें नेप्रोन का साइनोनियम किडनी है, तो ये किडनी से रिलेटेड है, और इसको किडनी भी कहते हैं, नेप्रोन मतलब साइनोनियम है किडनी का, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 4 ऑप्शन में किडनी इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है, एस इज रिलेटेड टू विच गेम, किस गेम से रिलेटेड है एस, तो एस कार्ड के बारे में आपको पता होगा, जो बंदा कार्ड खेलता है, ताश खेलता है, तो उसे पता होगा एस कार्ड के बारे में, तो ये ताश जो कि जिसके अंदर 52 पत्ते होते हैं, तो ताश से रिलेटेड है एस। एस एक कार्ड का नाम है जो कि 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से चार कार्ड एस के होते हैं, तो ठीक है, जो एस कार्ड है वो है, कार्ड्स जो होते हैं कार्ड्स, उनका नाम ही कार्ड्स है, कार्ड्स से रिलेटेड है एस। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन वॉलीबॉल, वॉलीबॉल के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं, तो वॉलीबॉल के अंदर होते हैं 6 प्लेयर्स। अच्छा क्वेश्चन, प्लेयर्स आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द रेतवाड़ी सिस्टम इन इंडिया, रेतवाड़ी सिस्टम किसने हिंदुस्तान के अंदर स्थापित किया था, तो ये थे थॉमस मुनरो, ये थे थॉमस मुनरो, जिन्होंने 1820 में रेतवाड़े सिस्टम को हिंदुस्तान के अंदर लाए। रेतवाड़े सिस्टम के अंदर क्या था, तो रेतवाड़े सिस्टम के अंदर कुछ इस तरह से था कि जो लोग अपनी ज़मीन का रजिस्ट्रेशन करा लिया करते थे, तो वो सरकार को लगान दिया करते थे, जो लोग ऐसा नहीं करते थे तो वो इस चीज़ की सज़ा पाते थे, लेकिन जो लोग रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लगान दिया करते थे, तो वही उस ज़मीन के हकदार हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन राज्यसभा, तो इसके अंदर 250 मेम्बर होते हैं, 238 मेम्बर जो होते हैं वो स्टेट से इलेक्ट होकर आते हैं, उनको चुना जाता है स्टेट से, और बाकी बचे मेम्बर मतलब 12 मेम्बर को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज फर्स्ट वॉइस राय ऑफ इंडिया, तो पहले वॉइस राय जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वॉइस राय थे, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, जब लास्ट गवर्नर जनरल का पद ख़त्म कर दिया गया था, तो उस पद को अपग्रेड करके वॉइस राय के पद में कन्वर्ट कर दिया था, तो पहले वॉइस राय थे लॉर्ड कैनिंग, तो ये भी आपको पता हो चुका है, चलिए आगे चलते हैं। वो वन रणजी ट्रॉफी 2016-17 कौन जीता, अच्छा क्वेश्चन है, मैं अपनी करंट अफेयर्स में इस क्वेश्चन को रखा था बहुत पहले, तो रणजी ट्रॉफी 2016-17 जो जीता है वो जीता है गुजरात, किसको हराकर, मुंबई को हराकर, उसने गुजरात ने मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी अपने नाम कर ली 2016-17 की। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द सन, नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, अर्थ के सबसे नज़दीक स्टार कौन सा, तो दोस्तों हमारी पूरी इस गैलेक्सी के अंदर, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर, जिस गैलेक्सी में हमारे सारे प्लैनेट आते हैं, उसमें एक ही स्टार है जिसका नाम है सन, तो अर्थ के नियरेस्ट स्टार जो है वो है सन। अगला क्वेश्चन है, फ्रेजाइल मटेरियल इज, तो फ्रेजाइल मटेरियल जो है सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल, बहुत सारे मटेरियल हैं जो फ्रेजाइल होते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सॉल्ट फ्रेजाइल मटेरियल है। फ्रेजाइल मटेरियल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, हिंदी में इसको बोलते हैं भंगुर,
भंगुर तत्व, तो ऐसे मटेरियल जो बहुत इजीली टूट जाते हैं, मजबूत तो होते हैं लेकिन टूट जाते हैं एकदम, अगर फोर्स लगा दी जाए तो अचानक ही टूट जाते हैं, तो ऐसे मटेरियल को फ्रेजाइल मटेरियल बोलते हैं, जिसमें से सॉल्ट एक प्रमुख फ्रेजाइल मटेरियल है ना। अगर आप सॉल्ट पर, नमक पर, जो नमक के जो टुकड़े होते हैं, मोटे मोटे टुकड़े होते हैं, अगर आप उन पर प्रेशर लगाओगे तो वो टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं किसी भी हाल में। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, जैसे कि लोहे की रॉड को आप अगर प्रेशर लगाओगे पकड़कर दोनों तरफ से, तो वो मुड़ जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं इजीली। तो ये फ्रेजाइल मटेरियल नहीं हुआ मेटल, ये जो आयरन है ये फ्रेजाइल मटेरियल नहीं हुआ, और सॉल्ट के साथ ऐसी घटना नहीं हो सकती, सॉल्ट एकदम टूट जाएगा। या आप कोयला ले लो, कोयला जो जला हुआ कोयला होता है वो भी एकदम टूट जाता है, तो वो भी एक फ्रेजाइल मटेरियल है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा फ्रेजाइल का कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन, हु वाज द सन ऑफ बिंदुसार, तो बिंदुसार किसका बेटा, बिंदुसार का बेटा कौन था, अशोक, और बिंदुसार खुद किसका बेटा था, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के, जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की। गुप्त वंश की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन है, बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा कौन है, अशोक। अशोक वो है जिन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था। अगला क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, पहली ऑर्गेनिक कंट्री जो पूरी दुनिया की है वो है भूटान, और हिंदुस्तान का पहला ऑर्गेनिक स्टेट जो है वो है सिक्किम। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सॉल्ट सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था, ये किया था गांधी जी ने, तो सॉल्ट सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किया था। तो दोस्तों ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते रहते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इनको अपने पास अपने माइंड में तैयार रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल यूज फॉर रेलवे ट्रैक जॉइंट्स, रेलवे ट्रैक के जॉइंट्स जितने भी होते हैं जॉइंट्स, उनको जोड़ने के लिए जिस मटेरियल का यूज़ करते हैं वो होती है यूटेक्टोइड स्टील। यूटेक्टोइड स्टील होती है, मतलब अगर आयरन के अंदर आप कार्बन की मात्रा बढ़ा दोगे तो वो स्टील में कन्वर्ट हो जाएगी, और ऐसी स्टील यूटेक्टोइड स्टील। स्टील के कई टाइप होते हैं जिसमें से एक यूटेक्टोइड स्टील होता है, तो यूटेक्टोइड स्टील को जो है रेलवे ट्रैक जॉइंट्स को जॉइन करने के लिए यूटेक्टोइड स्टील का प्रयोग किया जाता है। अगली क्वेश्चन, मुद्रा योजना किस पीएम ने स्टार्ट की, तो ये स्टार्ट की गई है नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने मुद्रा योजना का शिलान्यास किया था। अच्छा क्वेश्चन है यार ये भी। अगला क्वेश्चन है, बुक गीतांजलि किसने लिखी है, तो पहला क्वेश्चन तो यही है किसने लिखी है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। और ये है क्या, ये है क्या, तो ये जो है पोएम्स का एक सेट है, गीतांजलि जो कि पोएम्स का एक सेट है। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि पर 1913 में। किसको, रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि एक सेट है किसका, पोएम्स का। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन बास्केटबॉल, वॉलीबॉल के अंदर भी हमने डिस्कस किया कितने होते हैं, 6-6 प्लेयर होते हैं, दो टीमें होती हैं, 6-6 प्लेयर होते हैं, लेकिन बास्केटबॉल के अंदर 5 प्लेयर होते हैं एक टीम के अंदर, दो टीमें होती हैं, 5 और 5 10 प्लेयर होते हैं टोटल। अगला क्वेश्चन, विराट कोहली किस टीम के, किस स्पोर्ट्स के कैप्टन है, और किस टीम के, वो है क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली। विराट कोहली को यार कौन ना जानता, पूरा हिंदुस्तान जानता है विराट कोहली को। अगला क्वेश्चन, विच सेक्टर इज कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर, किस सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहा जाता। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छा है, ये इकोनॉमिक्स है। तो टर्शरी सेक्टर को, कौन से सेक्टर को, टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोजन तो बहुत तेज़ी से जल जाती है, तो पूरे यूनिवर्स में आग क्यों नहीं लग जाती, ये एक क्लू है, आपको इसे बताना है कि क्यों नहीं लगती आग, देखते हैं किसके पास कितना माइंड है। अगला क्वेश्चन है, रमन इफेक्ट किस से रिलेटेड है, तो रमन इफेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये है विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट का विजिबल स्पेक्ट्रम है, विबग्योर जो हमें रंग दिखाई देते हैं वो विबग्योर दिखाई देते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम जो है, रमन इफेक्ट जो है इस विजिबल स्पेक्ट्रम को टिल्ट कर देता, मोड़ देता, जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से ये विबग्योर पास कराया जाता है, विजिबल स्पेक्ट्रम पास कराया जाता है, तो विजिबल स्पेक्ट्रम की रेज जो हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं, टूट जाती हैं साइडों को,
तो ये रमन इफेक्ट था। सी वी रमन जो कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े भौतिक विज्ञान के साइंटिस्ट थे। अगला क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट साउंड मूवी, कौन सी पहली हिंदुस्तान की साउंड मूवी थी, वो थी आलमारा जो कि 1931 में बनी थी। आलमारा हिंदुस्तान की पहली मूवी थी जो कि साउंड मूवी थी। इससे पहले जितनी मूवी बनी सब बिना बोलती मूवी थी, उसमें सिर्फ होठ हिलते थे लेकिन आवाज़ नहीं आती थी। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनोदर नेम फॉर विटामिन सी, विटामिन सी का अगला नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये इसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, किसका, विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का। अगला क्वेश्चन है, अच्छा विटामिन सी से होने वाली हानियाँ क्या हैं, तो होने वाली हानियाँ क्या, एक तो मसूड़े जो होते हैं यहाँ से इसमें से खून निकलने लगता है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, बाल कमज़ोर हो जाते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, ये सब विटामिन सी के ही इफेक्ट हैं। अगला है, द राइटर ऑफ द बुक प्लेइंग इट्स माई वे, कौन नहीं जानता इस पुस्तक को, ये है सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर, हिंदुस्तान के जो कि क्रिकेट के प्लेयर हैं, अब तो नहीं, अब संन्यास ले चुके हैं, क्रिकेट के प्लेयर थे सचिन तेंदुलकर, इन्होंने लिखी है प्लेइंग इट्स माई वे, तो सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी ये पुस्तक है, अच्छी है, कई बार रिपीट कर चुकी है, इसको भी आप याद रखें। हु ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू प्लांट, जो प्लांट होता है उसको पानी और मिनरल कौन पहुंचाती है, तो जाइलम जो है पानी पहुंचाती है एंड फ्लोएम जो है वो मिनरल पहुंचाती है जड़ों से पूरे पेड़ को, तो जाइलम जो है वो पानी पहुंचाती है और फ्लोएम जो है वो मिनरल पहुंचाती है। याद करने के लिए जाइलम मतलब जल से याद रखिएगा, तो जल जो है वो पहुंचाती है जड़ों से पेड़ तक, प्लांट को वो पहुंचाती है जाइलम, एंड फ्लोएम जो है, फ्लोएम जो है वो मिनरल पहुंचाती है, मिनरल प्रोवाइड कराती है पूरे ट्री को या प्लांट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेम द रूलर हु शिफ्टेड कैपिटल दिल्ली टू दौलताबाद, दौलताबाद दिल्ली से दौलताबाद किसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था, ये है क्वेश्चन। तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश के संस्थापक थे, इन्होंने अपनी राजधानी, अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था फ्रॉम दिल्ली टू तुगलकाबाद, ठीक है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु इन्वेंटेड डीजल इंजन, तो डीजल इंजन के अंदर ही उनका नाम छिपा हुआ है, जिन्होंने डीजल इंजन की खोज की, तो रुडोल्फ डीजल उनका नाम है जिन्होंने डीजल इंजन की खोज की, ठीक है। ये ट्रिक में मैंने बता रखा, आप एक बार ट्रिक को विजिट कर लें, मैं कई बार कह चुका हूँ, अच्छी है यार, आपको फायदा ही होने वाला है। चलिए, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ विच, किसकी यूनिट है किलोवाट आर, ये किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा मतलब एनर्जी का एक यूनिट है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी, किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है, इसको रतौंधी भी बोलते हैं हिंदी में, रतौंधी, तो रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन है, इक्विनॉक्स हैपन हाउ मच टाइम इन ईयर, इक्विनॉक्स साल में कितनी बार होता है, तो ये होता है दो बार, कब कब होता है, 20 मार्च एंड 22 सितंबर को। इक्विनॉक्स कहते किसे है, इक्विनॉक्स उसको बोलते हैं जब 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन हो, उस कंडीशन को इक्विनॉक्स बोलते हैं। इक्वल लेंथ की हमारी रात होनी चाहिए और इक्वल लेंथ का हमारा दिन होना चाहिए, तो दिन और रात दोनों जब बराबर हो जाती हैं तो ये होता है इक्विनॉक्स। और ऐसा कब होता है, साल में दो बार होता है, 20 मार्च को एंड 22 सितंबर को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेम द डिसीज कॉज्ड ड्यू टू विटामिन सी डिफिशियंसी, विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है स्कर्वी, ये मेजर रोग है, मेजर विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। अगला क्वेश्चन, स्लोगन डू ओर डाई, करो या मरो का जो नारा दिया था वो दिया था गांधी जी ने, करो या मरो, अंग्रेजों को भगाने के लिए हिंदुस्तानियों को नारा दिया था करो या मरो, तो ये स्लोगन जो दिया था वो गांधी जी ने दिया था, डू ओर डाई, जो हम कभी कभी क्रिकेट में भी यूज करते हैं डू ओर डाई की कंडीशन। चलिए आगे चलते हैं, हु वन मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, मैन बुकर प्राइज, एक्चुअली जो मैन बुकर प्राइज़ दिया जाता है वो इंग्लिश में लिखे गए एक नोबल या इंग्लिश में लिखी गई किसी भी रचना के लिए दिया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो 2017 का जो मैन बुकर प्राइज़ जीता है वो है डेविड क्रॉसमैन ने,
इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है ए हॉर्स वॉक इनटू ए बार। ए हॉर्स वॉक इनटू ए बार के ऊपर डेविड ग्रॉसमैन को ये प्राइज मिला है, मैन बुकर प्राइज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु वन 2017 विंबलडन मेंस टाइटल। 2017 का जो विंबलडन मेंस टाइटल टेनिस से रिलेटेड है किसने जीता, तो ये थे रोजर फेडरर, जिन्होंने 2017 का विंबलडन मेन टाइटल्स का खिताब जीता, रोजर फेडरर ने। अच्छा क्वेश्चन है, और इन्होंने किसको हराया वो भी आपको याद रखना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये किस तरह का इंश्योरेंस है, तो ये है फॉर डेथ ओनली। इस इंश्योरेंस में आपको जितने पैसे जमा करते जाइए और ये इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद, आपकी डेथ के बाद, जिस आपने जिसको नॉमिनी बनाया होगा अपना, उसको मिलेगा उसका पैसा। तो किस तरह का है ये, फॉर डेथ ओनली, जब मरने के बाद, आप मरने के वक्त नॉमिनी को पैसा दिया जाता है। हाउ फार इज द अर्थ फ्रॉम द सन, हमारी दुनिया सूरज से कितनी दूर है, तो यह 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हम सूरज से, सूरज से हैं 15 करोड़ किलोमीटर दूर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के ऊपर मैं ट्रिक बना चुका हूँ, आप ट्रिक को विजिट करें, अच्छी ट्रिक है। क्या क्या कितना कितना पाया जाता है और कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है सब बता रखा है एक्सप्लेन करके। वहीं से क्वेश्चन बनाया है, एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा, जो मेटल है वो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और जो मटेरियल है वो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है अर्थ की क्रस्ट के अंदर, जो ऊपर की, जो अर्थ की ऊपर की क्रस्ट है उसमें। अगला क्वेश्चन है, विच मिरर गिव्स मैक्सिमम वाइड व्यू ऑफ फील्ड। सबसे बड़ा जो व्यू देता है वो कौन सा मिरर देता है, तो वो मिरर देता है कॉनवेक्स। देखो इस तरह का होता है, यहाँ से हम कालिख पोत देते हैं, यहाँ से अंदर से कुछ ना कुछ कलर लगा देते हैं, तो ये जो ऊपर का एरिया है ये चमकने लगता है। तो ये देखो इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है ना, देखो कहाँ तक का देख सकते हो आप, इतना बड़ा देख सकते हो। तो ये जो है कॉन्वेक्स मिरर ही सबसे बड़ा व्यू देता है। अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर की खोज किसने की थी, तो ये थे गॉर्डन, एंड्रयू गॉर्डन ने इसकी खोज की थी। किसकी, इलेक्ट्रिक मोटर की, एंड्रयू गॉर्डन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें फेराडे मत लगा देना, क्योंकि फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की थी, ना कि इलेक्ट्रिक मोटर की। तो इलेक्ट्रिक मोटर की खोज पहले की थी वो एंड्रयू गॉर्डन ने की थी, आगे इसको अपग्रेड किया गया था, लेकिन खोज एंड्रयू गॉर्डन ने ही की थी। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव। तो ये जो पूरी इतनी लंबी नाम की बुक लिखी है वो लिखी है मीरा कुमारी जी ने। मीरा कुमारी जी जो फॉर्मल लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं, मीरा कुमारी, तो इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव, ये मीरा कुमारी की एक पुस्तक है। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन है, पूछा गया है, तो आगे भी उम्मीद है पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं, और ये लास्ट स्लाइड है, और यहाँ मैंने 84 क्वेश्चंस कवर किए हैं बहुत जल्दी और समझाया भी है अच्छे से। तो पहले चलो देख लेते हैं, विच स्टेट्स सेलिब्रेट द फेस्टिवल हॉर्नबिल। हॉर्नबिल ये नागालैंड का एक फेस्टिवल है, नागा लोग इसको जो है सेलिब्रेट करते हैं, ये नागालैंड का सबसे बड़ा फेस्टिवल है हॉर्नबिल। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, हॉर्नबिल कहाँ का, नागालैंड का। नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। हु वाज द फर्स्ट मुगल किंग, पहला मुगल किंग कौन था। मुगलों में पहले जो थे बाबर आए थे, बाबर ने आके डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को 1526 में। ये सब आपको ट्रिकें पता होंगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया रशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। जो इंडियन और रशिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी उसका नाम था इंदिरा। अरे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, रिपीट होगा इंशाल्लाह। तो इंडियन रशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुई है उसका नाम है इंदिरा। अगला क्वेश्चन है, करेंसी ऑफ चाइना। चाइना की करेंसी युआन, चाइना की करेंसी है, चाइना की कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है युआन। आज का लास्ट क्वेश्चन, सुनील छेत्री किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये है फुटबॉलर। फुटबॉलर में ये स्ट्राइकर हैं सुनील छेत्री, तो फुटबॉलर में ये स्ट्राइकर है सुनील छेत्री। तो आपको याद रखना है सुनील छेत्री जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, वो है फुटबॉल। तो दोस्तों ये आपके लिए मैंने इतनी मेहनत से तैयार किए हैं 84 क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुए हैं, इसकी सीरीज़ में आपको और आगे दूंगा, क्योंकि एक साथ सारे क्वेश्चन को रखना पॉसिबल नहीं, तब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती।
तो ये पार्ट वन वीडियो है, मैं आगे को इसकी वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू बना दूंगा, बहुत जल्दी बना दूंगा। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो एसएससी एमटीएस 2017 में पूछे गए हैं, और ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं और ये क्वेश्चन आगे रिपीट करेंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करें, समझें, लिख लें और ये आपको मेमोराइज करने हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और हाँ एक बार और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।